और घर पे अंकल आंटी जी कैसे हैं? कैसे ही होंगे यार, पापा दी नौकरी चली गई है। छुट्टी कह के भेजिया सी, वापस बुलाया ही नहीं। चल छड़। अमृतसर कैसा है? सब सेम ही है यार। पता नहीं लोग कैसे घर चला रहे हैं पूजा, और डेरी ते सब ठीक है। एक मिनट होल्ड कर। अच्छा चल, मैं तेनू बाद च कॉल करनी है। ठीक है, तू ख्याल रख अपना। पूजा मिल्क सेंटर को वर्कर्स की जरूरत है। अगर आप किसी को जानते हैं जिसकी हाल ही में नौकरी गई हो तो हमसे मिलने जरूर भेजें। दीदी, दीदी, एक मिनट आना। की होया? यहाँ की है। कहाँ जरूरत है हमें वर्कर्स की? तीन ही नहीं संभल रहे हैं पहले। पापा की कहते से बब्बू भूल गया? कुछ ऐसा बड़ा काम करो कि दुकान छोटी पै जाए। अरे दीदी, लेकिन उनका मतलब कस्टमर से था। तू खोया खा। उस्ताद जी, खोया बढ़िया बनाया। थैंक यू दीदी। हाँ जी, पहले क्या काम करते थे? जी मैं बिजली का काम करता। जी मैं प्लम्बर। आप दोनों साथ हो? नहीं जी, मैं कारपेंटर। ये मिल्क सेंटर है, रोज सवेरे 3 बजे आना। जी दीदी। ठीक है? हाँ जी। छोटू, इनको ऊपर लेके जा। हाँ जी। आप दीदी, वो नौकरी के बारे में पढ़ा था। आ जाओ जी, आ जाओ 3 बजे। हाँ। चलो भाई ऊपर चलो। उस्ताद जी, ये सब आपके हवाले। लेकिन दीदी, यहाँ इतने आदमी करेंगे क्या? वो करा लेंगे कुछ। ओ दीदी। हाँ जी भैया, क्या चाहिए? क्या चाहिए? ओए तू कौन है? जी मैं टिड्डा, न्यू मैनेजर। आप कौन? मैं कौन? दस दादा नू। पाजी एक मिनट। ओ कौन हो आप लोग? क्या हुआ तेरे को? आप क्या काम करते थे? जी मैं टेलरी का काम करता था। अच्छा टेलर पाजी, आप किसी ड्राइवर मैकेनिक को भी जानते हो? जी नहीं, मैं कह रहा उनको भी ले आना। उस्ताद जी, वन मोर। हेलो आंटी जी, थोड़ा दही तैयार। दसो जी पनीर किन्ना करा जी? एक मिनट बोल। ओ आ की है? पनीर आंटी जी, बड़ा चंगा पनीर है। नहीं नहीं, तू रख अपना पनीर ते रख दही भी, मैं कितों होर ले लेनी है। अरे आंटी, क्वालिटी गिरी है तुम्हारी। हाँ मम्मी। सॉरी दीदी, वो उस्ताद जी नहीं थे तो। नया काम सीखने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। कोई नहीं, चल जी। जो रहंदी अणक है जी यार, जुगनी दूध मलाई खांदी, जुगनी बढ़ती बढ़ती जांदी, जुगनी पिंड विच सब तो चंगी, जुगनी करदे सब सतरंगी, जुगनी गड्डी फास्ट चलांदी, जुगनी उड़दी उड़दी जांदी। ये लो दीदी पनीर। बढ़िया है, थोड़ा अपने घर ले जाओ। हाँ जी। अच्छा मेरे लिए भी बांधो। मैं अमृतसर दी गलियां च दिल दा पौधा चुंदी। फौज क्यों इकट्ठी करी इतनी, जब खुद ही लड़नी है जंग? ओए पापा की कहंदे सी। मम्मी पनीर में मटर मत डाला करो यार। अंकल जी गलता सुनो मेरी, थोड़ा टाइम दे तो मेरे सारी पेमेंट कर देनी है आपकी। पुत्र जी, जब सामने पेमेंट नहीं आएगी तो मैं आगे पेमेंट कैसे करूंगा? की कहंदे ने? कुछ नहीं। चल। मालिक पाजी, वो दीदी की गाड़ी नहीं दिखाई दी। और निकल गई तुम्हारी तनख्वाह में, ला जा गड्डी। दीदी दिवाली आने तक ना दिवाला निकल जाएगा हमारा, देख ले। एक्स्ट्रा लोगों को निकालना होगा यार। वो इनकी भी तो दिवाली है यार। लाइटें।
आजा बब्बू, ओ स्माइल कर दे बेबी। चलो ना यार। जीती रहे पुत्र, जीती रहे। पूजा दीदी, वेरी गुड। ओ देखो देखो पूजा, पूजा। हाय पूजा। ओ क्या हो गया सबको? पता नहीं। क्या हो गया यहाँ पे? उतर उतर। चोरी तो नहीं होगी? फटाफट देख। हेलो, क्या हो रहा है ये? उस्ताद जी। डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए ना जरा। ये सारे लोग? दीदी वो आप हमारी फेसबुक फ्रेंड नहीं है ना, इसलिए शायद आपको पता नहीं लगा। आया जी आया। ये है पूजा मिल्क सेंटर, गुरु बाजार में एक छोटी जी दुकान। इसको चलाती भी एक छोटी जी लड़की है, फिर भी हम सब उनको दीदी कहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जब सारी दुनिया लोगों को नौकरी से निकाल रही थी तो उन्होंने हमको नौकरी दी। दुकान में इतने बंदों की जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने हमको काम दिया। यहाँ तक कि हमारा पेट भरने के लिए उन्होंने अपनी गड्डी भी बेच दी। सिर्फ एक बड़ी बहन ही आपको इतनी हिम्मत और हौसला दे सकती है। आप सब भी यहाँ पर आइए, उन्हें हिम्मत दीजिए और उनका हौसला बढ़ाइए। पूजा मिल्क सेंटर, याद रखना। दीदी सच में छोटी पै गई दुकान। मैं चल दिया, मैं बढ़ दिया, कुछ कर दिया। दिल खोल के तो देखो, दुनिया खुल जाएगी। फेसबुक। क्या लॉकडाउन में भी काम पे जाना जरूरी है? तुम तो जानती हो ये सिर्फ मेरा काम नहीं, मेरी ड्यूटी है। चलो बाय। हेलो। हाँ कहाँ पहुँचे? बस चेक पोस्ट क्रॉस कर रहा हूँ। हेलो 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 नमस्ते। थैंक यू। जरूरत ना तो घर से ना निकले, सावधानी ही आपको बचा सकती है। अच्छा भाई कल भी माल उठाने जाना है? इन दुकानदारों की वजह से लॉकडाउन में भी भारतीय घरों का कामकाज चलता है। भारत नहीं रुका, ये देश इन दुकानदारों हेलो पापा जहाँ सभी हेलो। हाँ क्या हुआ? अरे पता है क्या हुआ? आपको न्यूज में देखते ही सारा दोस्तों को कॉल करना शुरू किया। अच्छा कहते हैं कि अगर पापा घर पर रुक जाते तो सब कुछ रुक जाता। अपना ख्याल रखना। हाँ कुछ लोग वर्दी नहीं पहनते पर अपना फर्ज निभाते हैं, ऐसे जाबाज ही तो दुकानदार कहलाते हैं। हर दुकानदार भाई है हमारी शान,
जिनसे आत्मनिर्भर है हिंदुस्तान।